learner. My name is Ph.D. Mishra, Assistant Professor, BIT Durg. Today we are going to solve numerical of half wave rectifier. Consider a single diode having 20 ohm resistance is to supply power from a supply of 110 volt RMS secondary winding to a load of 1 kilo ohm. To solve this numerical, let us see what are the given data. The given data is Vs RMS equals to 110 volt, which is used to supply power. हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वी एस इक्वल्स टू वी एस एम साइन ओमेगा टी और गिवन डेटा हम लोगों को दे रहा है 110 वोल्ट. तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसका आर एम एस वैल्यू निकाला है और उसका आर एम एस वैल्यू बता रहा है 110 वोल्ट. तो आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज है वो ये है, उसका वेव फॉर्म वी एस इक्वल्स टू वी एस एम साइन ओमेगा टी. इस वेव फॉर्म का आर एम एस वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू विच इज 110 वोल्ट. यहाँ कहीं पर उसको मिल रहा होगा वी एस आर एम एस इक्वल्स टू 110 वोल्ट. एंड अ डायोड, अ सिंगल डायोड इज गिवन हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 20 ओम. तो आपको यहाँ से ही समझ में आएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर को सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज अ सिंगल डायोड इज यूज ओनली इन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 20 ओम. ये आर एफ का वैल्यू आपको 20 ओम दिया है. एंड लोड रेजिस्टेंस आर एल इक्वल्स टू 1 किलो ओम, दैट मीन्स 1000 ओम. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आपको 1000 ओम प्रोवाइडेड है. अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट वी एस एम. तो वी एस एम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए. तो यहाँ पे जो आपके पास साइन वेव है इसका आर एम एस वैल्यू दैट इज वी एस आर एम एस इक्वल्स टू वी एस एम अपॉन रूट टू. ये रिलेशन यूज़ करके हम लोग वी एस एम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से आपको वी एस एम मिल जाएगा विच इज़ 110 इंटू रूट टू. वी एस एम कैलकुलेट करने के बाद आपके पास फॉर्मूला है आई एम कैलकुलेट करने के लिए. तो आई एम इक्वल्स टू वी एस एम अपॉन आर एल प्लस आर एस प्लस आर एफ. तो आर एल और आर एफ का वैल्यू आपको दिया है, आर एस का वैल्यू नहीं दिया है. आर एस यहाँ पे है, दैट मीन्स वी आर एज्यूमिंग आइडियल ट्रांसफार्मर. आइडियल ट्रांसफार्मर है इसलिए उसका वैल्यू आपको प्रोवाइडेड नहीं है. ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट आई एम. तो कैलकुलेट कर लीजिए, आपको कैलकुलेटर में वी एस एम और आई एम का वैल्यू मिल जाएगा. वी एस एम और आई एम का वैल्यू मिल गया, उसके बाद बाकी आपको फार्मूला यूज़ करके पुट कर लेना है. उसके बाद नेक्स्ट आपको आई डी सी कैलकुलेट करना है. आई डी सी के लिए फार्मूला है आई एम बाई पाई. नेक्स्ट आई आर एम एस कैलकुलेट करना है, आई आर एम एस के लिए फार्मूला है आई एम बाई टू. वी डी सी कैलकुलेट करना है वी एस एम बाई पाई. वी आर एम एस वी एस एम बाई टू. वी डी सी फुल लोड इज आई डी सी इंटू आर एल. परसेंटेज रेगुलेशन वी डी सी नो लोड माइनस फुल लोड. वी डी सी नो लोड माइनस वी डी सी फुल लोड डिवाइडेड बाई वी डी सी फुल लोड. उसको रेजिस्टेंस के टर्म पे सॉल्व करके हम लोग ले आएंगे आर एस प्लस आर एफ अपॉन आर एल इंटू 100. नेक्स्ट वी डायोड, इसका डी सी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. वी डायोड, ये जो वेव फॉर्म है वी डायोड का, ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है उसका वेव फॉर्म है. तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वेव फॉर्म सप्लाई वोल्टेज का. और यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है लोड के अक्रॉस वी एल, ये उसका वेव फॉर्म है. तो ये जो वेव फॉर्म है इसका आर एम एस वैल्यू, इसका डी सी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज़ माइनस आई डी सी आर एल. आउटपुट पावर आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल. इनपुट पावर आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल प्लस आर एस प्लस आर एफ. सिमिलरली आउटपुट बाय इनपुट एफिशिएंसी पी इनवर्स वोल्टेज पी आई वी इक्वल्स टू वी एस एम एंड रिपल फ्रीक्वेंसी इज सेम एज अप्लाइड फ्रीक्वेंसी. आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आंसर चेक कर लीजिए. तो आप कैलकुलेट करने के लिए पॉज कर लीजिए. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट वी एस एम. वी एस एम इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला वी एस आर एम एस इक्वल्स टू 110 वोल्ट इक्वल्स टू वी एस एम बाई रूट टू. वी एस एम इक्वल्स टू 110 इंटू रूट टू. वी विल गेट वी एस एम इक्वल्स टू 155.56 वोल्ट. वी एस एम, ये जो पीक वैल्यू है साइन वेव का, ये वी एस एम है पाई बाई टू साइन 91. इसका वैल्यू आया है 155.56 वोल्ट.
और यही लोड के अक्रॉस भी है, इसका वैल्यू है 155.56 वोल्ट। नेक्स्ट IM इज़ द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो ये जो करंट है उसका पीक वैल्यू 152.5 मिली एम्पियर। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मिली एम्पियर में, एम्पियर में आंसर लिखने से बहुत ज़्यादा जीरोस दिखेगा और आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए मिली एम्पियर में सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट IDC इक्वल्स टू 48.54 मिली एम्पियर। तो ये जो करंट है इसका IM बाई पाई करने पे पीक वैल्यू का यहाँ कहीं पे आपको IDC मिल रहा होगा, IDC इक्वल्स टू 48.54 मिली एम्पियर। नेक्स्ट IRMS विच इज़ 76.25, 152 का हाफ कर देंगे हम लोग, यहाँ कहीं सेंटर पे आपको मिल रहा होगा 76.25 मिली एम्पियर विच इज़ IRMS। नेक्स्ट VDC ये जो लोड वोल्टेज है इसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो VDC आपको मिल रहा है 49.52 वोल्ट। नेक्स्ट VRMS ये जो VSM है इसका बाय 2, इसके सेंटर में यहाँ पे कहीं पे आपको मिल रहा होगा VRMS विच इज़ 77.78 वोल्ट। नेक्स्ट VDC फुल लोड इज़ IDC इंटू RL, परसेंटेज रेगुलेशन 2%। वी डायोड DC तो उसका वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स वेव फॉर्म के नीचे इधर कहीं पे आपको वी डायोड DC आपको मिल रहा होगा, विच इज़ नेगेटिव वैल्यू 48.54 वोल्ट। नाउ आउटपुट पावर 2.35, इनपुट पावर 5.96, सिमिलरली ऑल दी अदर वैल्यूज आर कैलकुलेटेड, ये सब वैल्यू आपको अपने कैलकुलेशन से चेक करना है। दिस इज़ हाउ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज सॉल्व इफ़ द फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड। इसका मतलब आपको समझ में आया कि अगर मैं एक हाफ वेव रेक्टिफायर उसको मैं RMS वैल्यू विच इज़ 110 वोल्ट, तो यहाँ पे सेकेंडरी में एक हाफ वेव रेक्टिफायर अप्लाई कर रहा है जिसका 110 वोल्ट RMS है, 110 वोल्ट ये सप्लाई है, यहाँ पे VS उसका RMS वैल्यू निकाले हैं विच इज़ 110 वोल्ट। तो अगर सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के 110 वोल्ट मिल रहा है और मैं यहाँ पे एक AC और DC एमीटर लगा दूँ, तो वो एमीटर रीडिंग बता रहा होगा DC एमीटर 48.54 मिली एम्पियर और AC एमीटर IRMS 76.25 मिली एम्पियर यहाँ पे रीडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाऊँ और वहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँगा, तो वोल्ट मीटर पे आपको रीडिंग मिल रहा होगा VDC और VRMS का, VDC 49.52 एंड VRMS 77.78 वोल्ट। दिस इज़ हाउ द न्यूमेरिकल इज सॉल्व। लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल।